पूरे भारतवर्ष में तो चलता ही है, साथ में नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, इसमें भी चलता है। और ये जनरली ये प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं वो महिला लोगों को उनके पैर पर खड़ा करने के लिए, कि वो जो मतलब लोग सोचते हैं कि सिलाई मशीन बहुत छोटा चीज़ है, इससे कुछ हो नहीं सकता, उससे आज के डेट में महिला लोग जो हैं, कुछ महिला तो आप ही के जिला की महिला है, 50-60 हज़ार रुपया महीना भी कमाती है। और कलावती जी है, जब भी मास्क बन रहा था कोरोना काल में, कितना मास्क बनाई, 22 लाख मास्क बनाए। तो ये कंपनी का सपोर्ट होता है कि महिला में एक इंटरप्राइज डेवलप हो, उनको हम बूस्टअप करें और उनको प्रेरित करें कि वो आगे बढ़े। और यदि उसमें जो होता है सिलाई अनुसार का जहाँ तक होता है सहयोग हम लोग करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देने के बाद उनके स्कूल खोलने में सहयोग करते हैं। हमारे सहयोगी संस्था जो है बिहार में नव भारत जागृति केंद्र है और भोजपुर महिला कला केंद्र, भोजपुर महिला कला केंद्र की अभी अनीता गुप्ता को देखे उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, इसी में महिला उद्यमी को स्थापित करने के लिए। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि महिला को उद्यमी के रूप में हम लोग समाज में स्थापित करें, ताकि जो महिला जो